दोस्तों जीएसटी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर आया है इस सर्कुलर का डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए तो चलिए अब हम जानते हैं इस सर्कुलर में क्या क्लैरिफिकेशन दी गई है 21 जून का ये सर्कुलर है और ये सर्कुलर बात कर रहा है क्लैरिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ क्यू कोड ऑन बी टू सी पर जो क्यू आर कोड की एप्लीकेबिलिटी है उससे रिलेटेड कुछ क्लैरिफिकेशन दी गई हैं और एक नोटिफिकेशन नंबर आई थी 14 बाय ट्वेंटी ट्वेंटी उसके कंप्लायंस को लेकर के कुछ क्लैरिफिकेशन दी गई हैं तो चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन नंबर फोर्टीन बाई ट्वेंटी ट्वेंटी आई थी इक्कीस मार्च दो हज़ार बीस को दोस्तों जिसमें कहा गया था कि एक दिसंबर 2020 से जिन जिन टैक्स पेयर्स का टर्नओवर 500 करोड़ से ज़्यादा है उनको बी टू सी इन्वाइस जो वो ईशू करेंगे उन पर उनको क्यू कोड प्रिंट करना होगा क्यू आर कोड जनरेट करके अपने बी टू सी इन वॉयस पर प्रिंट करना होगा ठीक है तो ये आया था उन टैक्स पेयर्स के लिए जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से ज़्यादा है इसके बाद फर्दर एक नोटिफिकेशन आई छ बटा दो हज़ार इक्कीस और इस नोटिफिकेशन में कहा गया कि आपकी जो पेनल्टी है फॉर नॉन कम्प्लाइंस ऑफ प्रोविजन ऑफ नोटिफिकेशन नंबर फोर्टीन यानी कि ये जो आपके लिए नोटिफिकेशन नंबर चौदह आई थी ना जिसमें कहा गया था कि आपको क्यू आर कोड जो है प्रोवाइड कराना है इन्वाइस पर तो इसमें कहा गया कि अगर आप ये प्रोविज़न फॉलो नहीं करते हैं तो आपकी पेनल्टी को माफ़ कर दिया जाएगा एक दिसंबर से इकतीस जून सॉरी तीस जून 2020 तक जो है आप पर कोई भी पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी अगर आप ये क्यू आर कोड के जो प्रोविजंस हैं इनको फॉलो नहीं करोगे तो लेकिन एक कंडीशन रखी गई सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि आपको ये प्रोविज़न फॉलो करने हैं एक जुलाई 2021 से तो एक जुलाई 2021 से अब आपको ये प्रोविजंस जो है उनको फॉलो करना पड़ेगा तभी आपको एक दिसंबर से लेकर के तीस जून तक जो आपकी पेनल्टी माफ हुई थी ना उसका बेनिफिट मिलेगा ठीक है अगर आप नहीं करोगे क्योंकि कंडीशन थी ये कि आपको एक जुलाई से ये प्रोविजन फॉलो करने हैं अगर आप नहीं करोगे तो फिर वो पिछली पेनल्टी का भी आपको नुकसान हो सकता है ठीक है अब क्या है यहां पे इसमें कहा गया है कि काफ़ी सारी रेफरेंसेस रिसीव हुए ट्रेड और इंडस्ट्री से जिन्होंने कुछ क्रेरिफिकेशन मांगी है इस क्यूआर कोड की एप्लीकेबिलिटी को लेकर जो कि कंफ्यूजन चल रही है और किस तरीके से ये नोटिफिकेशन नंबर फोर्टीनथ का कंप्लायंस करना है इन सभी को लेकर तो सभी इशू को एग्जामिन किया गया एंड टू एंश्योर द यूनिफॉर्मिटी इन इम्प्लीमेंटेशन ताकि ये यूनिफॉर्मली सब जगह एक तरी एक से ही अप्लाई हो इन चीज़ों का ध्यान में रखने के लिए ये आ, कुछ क्लैरिफिकेशन इशू की गई हैं तो वन बाय वन ये क्लैरिफिकेशन हम देखेंगे पहले पूछा गया है कि डायनेमिक क्यू आर कोड इज़ टू बी प्रोवाइड ऑन इन वॉइस इशू टू पर्सन हु हैज़ ओपटेंड यू आई एन नंबर एज पर द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन नाइन ऑफ सेक्शन ट्वेंटी फाइव तो क्या अगर आप एक ऐसे व्यक्ति को इन वॉइस इशू कर रहे हैं जिसने सेक्शन 25 फ़ाइव सेक्शन नाइन के अकॉर्डिंगली यू आई एन नंबर लिया हुआ है तो क्या उन केस में भी क्यू आर कोड आपको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा इन वॉइस पर तो इन्होंने कहा है एनी पर्सन जिस भी व्यक्ति ने यू आई एन नंबर लिया हुआ है एज़ पर सेक्शन ट्वेंटी फाइव सेक्शन नाइन वो एक रजिस्टर्ड व्यक्ति नहीं है सी जी एस टी के अंदर एज पर सेक्शन टू सबसेशन नाइन्टी फोर देअर फोर जो भी इनवॉइस आप रजिस्टर्ड करेंगे ऐसे व्यक्ति को जिसने यू आई एन नंबर लिया हुआ है उसे बी टू सी इन्वाइस माना जाएगा और आपको वहाँ पे क्यू आर कोड जो है प्रोवाइड कराना होगा यू हैव टू कम्प्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ डायनेमिक क्यू आर कोड ठीक है ये आपको क्लियर हो गया है क्यू आर कोड जो है आपको उसके इनवॉइस पर प्रोवाइड करवाना पड़ेगा जनरेट करके आपको इनवॉइस पर प्रिंट करना है बेसिकली उसमें आपके इनवॉइस की जो इन्फॉर्मेशन है वो होती है ठीक है यू पी अगर लिंक है बैंक अकाउंट ऑफ द पे एंड पर्सन कलेक्टिंग मनी से तो क्या बैंक अकाउंट एंड आई डिटेल्स भी आपको सेपरेटली उस क्यू कोड पर प्रोवाइड करवानी पड़ेगी एज़ पर यू अगर आप क्यू कोड पर आपने यू पी जो है आ, दी दी रखी है तो क्या आपको सेपरेटली अपनी बैंक डिटेल्स देनी पड़ेंगी जैसे कि बैंक अकाउंट नंबर है आई एफ एस सी डिटेल वो अलग से भी प्रोवाइड करवानी है क्योंकि आपकी जो यू पी आई आई डी होती है वो डायरेक्टली आपके बैंक से लिंक होती है तो इन्होंने कहा है कि अगर यू पी आई आई डी लिंक है लिंक टू तो स्पेसिफिक बैंक अकाउंट ऑफ पे के स्पेसिफिक बैंक अकाउंट से लिंक है तो सेपरेट डिटेल्स बैंक अकाउंट की सेपरेट डिटेल या आई एफ एस सी आपको उस क्यू आर कोड में प्रोवाइड करवाने की आवश्यकता नहीं है ठीक है इनकेस पेमेंट इज कलेक्टेड बाय सम अदर दैन सप्लायर तो सप्लायर के बिहाव पे कोई और व्यक्ति अगर पेमेंट कलेक्ट कर रहा है वेयर वेदर इन सच केस इन प्लेस ऑफ यूपीआई आई डी ऑफ सप्लायर द यूपीआई आई डी ऑफ सच पर्सन हु इज ऑथोराइज टू कलेक्ट द पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लाई मे बी प्रोवाइडेड तो क्या जो क्यू आर कोड पर जो यू पी आई आई डी आप प्रोवाइड करवा रहे हैं वो सप्लायर की ही करनी है या जो सप्लायर के बिहाफ पर व्यक्ति पेमेंट कलेक्ट कर रहा है उसकी भी प्रोवाइड करवाई जा सकती है तो यस इन सर्च केसेस अगर कोई दूसरा व्यक्ति पेमेंट कलेक्ट कर रहा है सप्लायर के बिहाफ पर तो यू पी ऑफ सर्च पर्सन की जो है आप प्रोवाइड करवा सकती हैं इंस्टेड ऑफ सप्लायर इनकेस वे आर रिसीवियर ऑफ सर्विसेज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया यानी कि अगर आप जिस व्यक्ति को सर्विस दे रहे हैं वो इंडिया से बाहर है और पेमेंट सप्लायर को रिसीव हो रही है फॉरन एक्सचेंज में थ्रू आर बी आई अप्रूव मोन बट एज पर सेक्श ऑफ आई जी एस टी एक्ट प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में है देन सच सप्लाई ऑफ सर्विस इज़ नॉट कंसिडर्ड एज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस वेयर इन सच केसेज डायनेमिक क्यू आर कोड इज़ रिक्वायर्ड ऑन द इन्वॉइस इशू फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस टू सच रिसिपियट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया तो कहने का मतलब ये है कि रिसिपियन इंडिया से बाहर है हमारा जो सप्लायर है वो फॉरन एक्सचेंज में पेमेंट रिसीव कर रहा है आर बी आई अप्रूव्ड मोड के द्वारा लेकिन आई जी एस टी एक्ट के अकॉर्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में है और जो है इसे एक्सपोर्ट नहीं माना जाएगा क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में है तो क्या इस केस में भी जो इन्वाइस इशू किया जाएगा उस पर क्यू आर कोड प्रोवाइड करवाना पड़ेगा तो नो वन द इवॉयस इज इशू टू रिसिपेंट अगर आप बाहर के किसी इंडिया से बाहर के रिसिपेंट को सर्विस दे रहे हैं फॉर विच प्लेस ऑफ सप्लाई भले ही इंडिया में हो एज़ पर आई जी एस टी एक्ट और पेमेंट आपको रिसीव हो रही है फॉरन करेंसी में आर बी आई अप्रूव्ड मीडियम के द्वारा तो सच इन वॉयस में बी इशूड विदाउट क्यू आर कोड आप इशू कर सकते हैं एस क्यू आर कोड कैन नॉट बी यूज बाय द रिसिपियन लोकेटेड आउटसाइड इंडिया अगर कोई रिसिपेंट है तो वो क्यू आर कोड यूज नहीं कर पाएगा पेमेंट के लिए तो इस केस में भी वो क्लियर कर दिया गया है फिफ्थ नंबर पॉइंट में बताया है इन सम इंस्टांसिस कुछ केस में रिटेल सेवर ऑफ द ओवर द काउंटर सेल जो होती है द पेमेंट फ्रॉम कस्टमर इन रिसीव्ड ऑन पेमेंट काउंटर पर होती है क्यू आर कोड दिखा करके पेमेंट ले ली जाती है ठीक है ना डिजिटल डिस्प्ले के द्वारा वेयर इन वॉयस एलोंग विद द इन नंबर इज जनरेटेड ऑन द प्रोसेसिंग सिस्टम बिंग यूज बाय सप्लायर आफ्टर रिसीविंग द पेमेंट जहाँ पे पेमेंट रिसीव करने के बाद इन हो इशू किया जाता है तो उस केस में क्या होगा तो इन्होंने कह दिया है इस केसेस में वेयर इन नंबर इज़ नॉट द अवेलेबल एट द टाइम ऑफ पेमेंट के टाइम वो अवेलेबल नहीं होता क्योंकि पेमेंट पहले हो जाती है तो इस केस में क्या होगा द इनवॉयस नंबर एंड वॉयस आर जनरेटेड आफ्टर द रिसीव ऑफ पेमेंट के बाद होता है तो यूनिक ऑर्डर आई डी या यूनिक सेल रेफरेंस नंबर जो होता है विच इज़ यूनिकली लिंक टू द इनॉइस इशूड ऑफ सै ट्रांजेक्शन मे बी प्रोवाइडेड इन क्यू आर कोड फॉर डिजिटल डिस्प्ले एज लॉन्ग एज डिटेल ऑफ सच यूनिक ऑर्डर आई डी एंड सेल रेफरेंस नंबर लिंकेज विज इन वॉयस आर अवेलेबल ऑन द प्रोसेसिंग सिस्टम ऑफ मर्चेंट सप्लायर एंड क्रॉस रेफरेंस ऑफ सच पेमेंट ंग विद यूनिक ऑर्डर आई डी एंड सेल रेफरेंस आर ऑल्सो प्रोवाइडेड ऑन द इन वॉयस उस केस में आप जो है वो यूनिक ऑर्डर आई डी या सेल्स रेफरेंस नंबर जो है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं इन वॉयस पर इनकेस पेमेंट पहले होती है और इन वॉयस बाद में अगर पार्ट पेमेंट हो जाती है बाय द मर्चेंट रिसीव होती है बाई मर्चेंट एंड सप्लायर कोई एडवांस में या फिर कुछ एडजस्टमेंट करके वो वाउचर दिखा करके या डिस्काउंट कूपन दिखा करके बैलेंस पेमेंट अगर आप करते हैं बिफोर द डायनेमिक कोड इज़ जनरेटेड तो वट अमाउंट शुड बी प्रोवाइडेड इन क्यू आर कोड तो ऐसे के इसमें क्यू आर कोड की पर जो है कौन सी अमाउंट आपको देनी है इन वैल्यू क्या होगी तो पर्पज़ ऑफ़ क्यू आर कोड इज़ टू इनेबल द रिसीपेंट एंड कस्टमर टू स्कैन एंड पे द अमाउंट टू बी पेड टू द मर्चेंट एंड सप्लायर इन रिस्पेक्ट ऑफ सेट सप्लाई तो उस क्यू आर कोड का बेसिकली पर्पज़ क्या होता है जो बैलेंस पेमेंट आपकी रहती है सप्लायर को देनी वो आप उसको पे कर सके वैन पार्ट पेमेंट ऑफ सप्लाई ऑलरेडी रिसीव फ्रॉम द कस्टमर पार्ट पेमेंट अगर ऑलरेडी आप रिसीव कर चुके हो कस्टमर से एडवांस के थ्रू या कुछ एडजस्टमेंट वाउचर की कोई आपके पास वाउचर था कूपन वाउचर था या डिस्काउंट कूपन था उसको एडजस्ट करा करा दिया है आपने और रिमेनिंग अमाउंट आपको जो है देनी है क्यू आर कोड में प्रोवाइड ओनली द रिमेनिंग अमाउंट तो क्यू आर कोड में जो वो रिमेनिंग अमाउंट जो बैलेंस बचा है ना वही आपका जो है आपको प्रोवाइड कराना है अगेंस्ट द इन्वाइस वैल्यू द डिटेल ऑफ टोटल इन्वाइस वैल्यू टोटल इन्वॉइस वैल्यू क्या थी अलोंग विद क्रॉस रेफरेंस आप दे सकते हैं कि इतनी पार्ट पेमेंट हो चुकी है एडवांस है या एडजस्टमेंट है रिमेनिंग अमाउंट वे वो आप इन वॉयस में दिखा सकते हैं तो ये कुछ क्लैरिफिकेशन्स हैं जो यहाँ पे सर्कुलर में दी गई है क्यू आर कोड की एप्लीकेबिलिटी को लेकर के तो आपके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है दोस्तों कि ये जो आपको नोटिफिकेशन नंबर सिक्स बाई ट्वेंटी ट्वेंटी वन में बेनिफिट मिला था कि आपकी पेनल्टी वेव ऑफ़ कर दी जाएगी फॉर नॉन कम्प्लायंस ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन सॉरी नोटिफिकेशन नंबर फोर्टीन फ्रॉम फर्स्ट दिसंबर से तीस जून तक सब्जेक्ट वहाँ पे कंडीशन है द पर्सन कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ सैड नोटिफिकेशन फ्रॉम फर्स्ट जुलाई अगर आप फर्स्ट जुलाई से कंप्लाई करोगे तो आपको उस पेनल्टी का जो है वेवर मिल जाएगा